नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। बीएड और बीटीसी धारकों के लिए आज कोर्ट ने सबसे बड़ा अपडेट जारी कर दिया। जी हां दोस्तों, बीएड बीटीसी कोर्ट केस पर आया नया मोड़, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे भी अपडेट आप सभी तक पहुँचाई जाती रहे। गूगल पर जाकर टाइप करें हिंदी प्रो, हिंदी प्रो जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर बीएड बीटीसी एग्जाम से संबंधित अपडेट सबसे पहले पहुँचाई जाती है। और आज काफ़ी बड़ी अपडेट, बीएड धारकों का केंद्र सरकार पर सीधा हमला, अगर अध्यादेश नहीं आए तो सरकार हिला देंगे। आपको बता दें प्राथमिक शामिल नहीं, 2014 में विदाई, ऐसे कई छात्र जो है बयान शामिल कर रहे हैं और आज काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बीएड धारकों को मिलने वाली खुशखबरी, अब प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में अब उनको भी शामिल किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बीएड छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द कोर्ट केस का अंतिम फैसला सुनाया जाए, क्योंकि प्राथमिक टीचर की भर्तियां निकलने जा रही हैं और यहां पर बीएड धारकों को प्राथमिक टीचर भर्तियों से अलग कर दिया गया है। और आज काफी बड़ी अपडेट आ रही है, बीएड धारकों को राहत देने वाली अपडेट। आपको बता दें इस बार आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्तियां अगले महीने देखने को मिलेंगे। वही बात करें तो इस बार आप सभी लोगों को कई बड़े परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। बीएड धारकों को इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए यहां पर दी जा सकती ये मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर कोर्ट ने दिया है काफ़ी ज़्यादा सजग रुख बीएड धारकों के लिए, तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी। यहाँ पे बीएड धारकों को भी अब शामिल किया जा सकता है प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में, इसके संकेत मिलने शुरू। काफ़ी अच्छी, काफ़ी राहत भरी खबर सामने निकल के आती हुई बीएड और बीटीसी कोर्ट पर काफ़ी बड़ा अपडेट आज